ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई की पावर 2 थीटा साइन 3 थीटा और डी थीटा। ये दो फंक्शन हैं, हम इनका इंटीग्रेशन डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम दो फंक्शन इन्हें मानेंगे और आइलेट फार्मूले के ज़रिए हम इन्हें, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ज़रिए सॉल्व करना है, तो हम आइलेट फार्मूले से हम पता लगाएंगे कि पहले कौन सा फंक्शन रखना है और दूसरा कौन सा, क्योंकि आइलेट फार्मूले के तहत ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो सबसे लास्ट में आता है, पर हम हाँ एक्सपोनेंशियल को हम दूसरा फंक्शन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसलिए हम फर्स्ट इस सारी वैल्यू को आई के इक्वल रखेंगे, क्योंकि जब हमें दोबारा इसका इंटीग्रेशन करना पड़े तो हम इसका वहाँ पे आई सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो यहाँ पे हमने लिया फर्स्ट फंक्शन यू, फर्स्ट फंक्शन को हमने यू का नाम दिया और सेकंड फंक्शन को वी का नाम दिया। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर इन दोनों को मिला के जो भी आंसर आएगा इसके, इसको डेरिवेटिव और इसको इंटीग्रेशन करने से, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा से इसका इंटीग्रेशन लेंगे। अब हम यहाँ पे उन दोनों फंक्शन को पुट करते हैं फार्मूले में, साइन 3 थीटा फर्स्ट फंक्शन था, फिर इंटीग्रेशन ई की पावर 2 थीटा डी थीटा माइनस डेरिवेटिव साइन 3 थीटा इंटीग्रेशन ई की पावर 2 थीटा डी थीटा। इसका जब इंटीग्रेशन ख़त्म किया ई की पावर 2 थीटा ओवर 2, क्योंकि जब हम एक्सपोनेंशियल में कोई भी थीटा या उसके वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू दी होती है इंटीग्रेशन में, हमने उसे डिवाइड करना होता है और डेरिवेटिव में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन है। तो हम यहाँ पे थीटा के साथ 2 लगा हुआ है तो उसे हम नीचे डिवाइड भी करेंगे। आगे चलते हैं, माइनस इसका 3 साइन 3 थीटा का जब हम डेरिवेटिव करेंगे, साइन की वैल्यू डेरिवेटिव में कॉज होती है पॉजिटिव कॉज, और थ्री ये जो थीटा के साथ लगा हुआ है उसके वेरिएबल के साथ 3 cos थीटा थीटा, हमने 3 हम शुरू में ले आए और 3 cos थीटा cos साइन का डेरिवेटिव है साइन का, और इसका इंटीग्रेशन जब हमने ख़त्म किया तो e की पावर 2 थीटा ओवर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब किया तो 3 ये वाला 3 और 2 हम बाहर ले आए इंटीग्रेशन से पहले, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं। माइनस का 3/2 इसको हम, इसका 1/2 हम शुरू में ले आए 1/2 sin 3 थीटा ई की पावर 2 थीटा, माइनस का 3/2 ये वाला हम बाहर ले आए माइनस का 3/2 और इंटीग्रेशन cos 3 थीटा और ई की पावर 2 थीटा ये बचा। अब हम इतने का दोबारा से इंटीग्रेशन लेते हैं, ये माइनस का 3/2 अभी रहने देंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे अगेन, इंटीग्रेशन cos 3 थीटा इंटीग्रेशन cos 3 थीटा ई की पावर 2 थीटा डी थीटा, इसका हम जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ज़रिए लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे तो ये cos 3 थीटा हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ई की पावर 2 थीटा सेकंड फंक्शन, हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाले फार्मूले में इन्हें पुट करना है, cos 3 थीटा इंटीग्रेशन ई की पावर 2 थीटा डी थीटा माइनस डेरिवेटिव cos 3 थीटा इंटीग्रेशन ई की पावर 2 थीटा डी थीटा, और जब हमने इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो ये 2 जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये नीचे आके डिवाइड हो गया है, ई की पावर 2 थीटा ओवर 2 cos 3 थीटा वैसे का वैसे रहेगा, माइनस कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3 थीटा, क्योंकि 3 थीटा के साथ लगा हुआ है तो डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसे उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए हमने लिखा है माइनस का 3 साइन 3 थीटा ई की पावर 2 थीटा ओवर 2, ये वाला 3 और ये वाला 2 हम शुरू में ले आए और माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो प्लस का 3/2
साइन थ्री थीटा ई की पावर टू थीटा, ये पीछे जो हमने आई के इक्वल रखा था, अब हम उसकी जगह पे इस सारे की जगह पे आई को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, साथ थ्री बाय टू भी लगेगा, वन बाय टू ई की पावर टू थीटा। ये जो इसका आंसर आया था, ये जो हमने अगेन इंटीग्रेशन की है, ये उसका आंसर है। और हमने पिछला जो आंसर छोड़ा था माइनस का थ्री बाय टू के बाद आई के, मतलब जो हमने आई सब्सटीट्यूट जहाँ पे किया है, अब ये वाला इतना पिछला आंसर है, और ये वन बाय टू साइन थ्री थीटा ई की पावर टू थीटा माइनस थ्री, वो थ्री बाय टू दिया हुआ है वहाँ पे, तो माइनस थ्री बाय टू इसके साथ अब हमने किया है माइनस थ्री बाय टू कॉस थ्री थीटा माइनस वो माइनस थ्री बाय टू सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ भी होगा माइनस जमा नफी नफी तीन तीन नौ दो दो चार आई प्लस का सी। अब दोबारा हम इसे सोल्व करेंगे, वन बाय टू साइन थ्री थीटा आई की पावर टू थीटा माइनस थ्री बाय फोर कॉस थ्री थीटा माइनस नाइन आई प्लस सी, ये माइनस का नाइन ओवर फोर आई है, पहले ये आई इधर से चलता आ रहा था, वो जिसके इक्वल वो जो पहले फंक्शन दो तरह के फंक्शन दिए हुए थे इंटीग्रेशन जिनका हमने करना था उसके इक्वल रखा था आई, तो ये आई पहले से है और ये वाला माइनस का नाइन ओवर फोर ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो थर्टीन ओवर फोर, थर्टीन ओवर फोर जब इसके इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो थर्टीन ओवर फोर आया था, तो इधर जब डिवाइड होगा तो फोर बाय थर्टीन वन बाय टू, ये सारे इस सारे आंस के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, फोर बाय थर्टीन वन ओवर टू ई की पावर टू थीटा साइन थ्री थीटा माइनस थ्री बाय फोर कॉस थ्री थीटा प्लस सी, ये फोर ओवर ट्वेंटी सिक्स ई की पावर टू थीटा साइन थ्री थीटा, ये इस तरह हमने सारा किया और फिर उसको जो मतलब एक ही तरह मतलब अगर डिवाइड हो रहा था तो उसने उसे हमने डिवाइड किया, मतलब एक ही अगर टेबल से कट कर दिया, फिर यहाँ पे टू बाय थर्टीन ई की पावर टू थीटा साइन थ्री थीटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, इसे हमने आई के इक्वल रखा है। थैंक यू।